उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आज कानपुर में अरमापुर वार्ड में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित ने कहा कि वर्तमान सरकार में इस देश को सिर्फ भूख भय और भ्रष्टाचार में बढ़ाया है। हमको कांग्रेस का संगठन मजबूत करके जन जन तक पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की जानकारी पहुंचानी है। इस बैठक में मुख्य रूप से अध्ययनाथ मिश्रा, कुणाल सिंह, एसके सिंह, शिवशंकर गुप्ता, राधे श्याम, आतिक अहमद, आशीष गुप्ता, सत्यनारायण, हरि नारायण, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। हम जैसे सुलझे हुए तमाम कांग्रेसियों का तीर्थ स्थल रहा है, आज हम उसी स्थल पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हमारे बीच आदरणीय शिवशंकर गुप्ता जी हैं, हर्षित सिंह साहब हैं, अध्ययनाथ मिश्रा जी हैं, इमरान साहब हैं, सिराज साहब हैं, हरिनारायण जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, दिलीप सिंह हैं, शिवनाथ सुरील सिंह हैं, रविंद्र यादव जी हैं, कल्लर खान साहब हैं, रोहित कुमार हैं, शुभम सिंह हैं, अब्बास साहब हैं, फरजीन साहब हैं, कुणाल सिंह हैं, इंद्रपाल सिंह यादव जी हैं, हरीश चंद्र शुक्ला जी हैं, शिव सिंह जी हैं, छोटेलाल जी हैं, अमरनाथ राम जी हैं, कार्तिक सिंह जी हैं, हरिकिशोर सिंह जी हैं, विनोद कोहली जी हैं, तिलक जी हैं, हरिराम कटियार जी हैं, बहन मधु सिंह जी हैं, शांता सिंह जी हैं, अभय दीक्षित जी हैं, उर्मिला गुप्ता जी भी हैं और भी तमाम लोग। अनुरोध करता हूँ, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि हर्षित जी को माला पहना कर ये मनमानी, चाहे मरे किसी की नानी, हम तो करेंगे मनमानी, जुमलेबाजी ऐसी करेंगे, ये सब पानी पानी, लाखों लोगों करोड़ों लोगों की है जान जो बचानी, हम तो करेंगे मनमानी, हम तो करेंगे मनमानी, चाहे मरे किसी की नानी। माने आदरणीय शिवशंकर गुप्ता जी, इस वार्ड के प्रभारी आदरणीय अतीक अहमद जी, अभी इनको अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया है आदरणीय अध्ययनाथ मिश्रा जी, आशीष सिंह जी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने, आदरणीय भारती जी, इमरान खान साहब, सिराज साहब, हरिनारायण जी, सुरेंद्र सिंह जी, आर एस सिंह जी, मधु सिंह जी, शांता सिंह जी, अभय दीक्षित जी, उर्मिला गुप्ता जी, आर एस सिंह जी, वर्तिका सिंह जी, कुणाल जी, यादव जी, दिलीप भाई, गल्लर खान, रोहित कुमार जी, शुभम जी, अब्बास जी, कुमार सिंह जी, अनिल प्रसाद यादव जी, हरिश्वर शुक्ला जी, शिव सिंह जी, छोटेलाल जी, अमरनाथ राय जी, हरकिशोर सिंह जी, विनोद जी, तिलक जी, हरिराम कटियार जी, डॉक्टर पी के सिंह जी, सुशील द्विवेदी जी, प्रभु जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथीगण कांग्रेस के साथियों, मैंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि कैलाश नगर में वार्ड अरमा मुझसे संबंधित है उस पर किसी योग्य व्यक्ति को बैठा लाए, परंपरा ये रही कि जब मसवानपुर वार्ड गठित होता तो वहीं पर सब गठित हो जाता, हमने कहा कि कैलाश नगर हमको चलना है, जैसा ही कह रहे हैं कि हमारे अतीक भाई ये तीर्थ स्थल का, मैं भी मानता हूँ कि कैलाश नगर कांग्रेस का एक मंदिर है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए, गरीब आदमी के लिए, जनता के लिए संघर्ष किया हो, हम लोगों ने उसको देखा है। और हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राम इकबाल जी हमारे मित्र हैं, बड़ा हमें चाहते हैं। और आपको बताऊं कि जब मुझे टिकट मिला तो जब मेरा चुनाव शुरू हो रहा था तो मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया था, हमने कहा दिल्ली रह रहे हैं, क्या करना पता नहीं, आप आएंगे लड़ाएंगे कि क्या करेंगे, और फिर टिकट मिलने के बाद इतनी व्यस्तता हो जाती कि मैं उन तक फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन टिकट के दूसरे या तीसरे दिन हमने देखा कि उनकी गाड़ी आकर के हमारे घर के नीचे खड़ी, हमने कहा आप कहाँ से आ गए, तो यार हमें पता चला और हम आपको चुनाव लड़ाने के लिए आ गए। वैसे हमारे साथी थे, मेरा सौभाग्य है कि हर्षित हमें यहाँ मिल गए, एक हर्षित हमारे भांजे हैं जो हमारा काम धाम देखते थे, एक नाती के रूप में हर्षित भी मिल गए हमें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि युवा चेहरे मैं कांग्रेस की राजनीति में दूर तक ले जाने का पूरा प्रयास करूँगा,
और जो इनका परिवार का चार पीढ़ियों का कर्जा है कांग्रेस के ऊपर, चाहूंगा कि थोड़ा बहुत उसका प्रतिफल कांग्रेस का संगठन निभाए। ऐदनाथ जी बहुत सज्जन आदमी है हमारे, इनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और एक बहुत अच्छा नाम आया। कई लोग यहाँ पे थे, गुप्ता जी भी थे हमारे, और बीजेपी का आंदोलन था, महंगाई के नाम पर आंदोलन था, देश की सुरक्षा के नाम पर आंदोलन था, चुनाव लड़ने आए। आपको विश्वास है मैं अरमापुर से जीत के गया, मैं मसान कांग्रेस को घर घर जाकर खड़ी करेंगे। जो हमारी अभी वर्तिका बोल रही थी, अगर ये पीढ़ी ये बोलने लगे ये झूठे हैं, ये 70 साल की दुआई देते हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, जब ये पीढ़ी ये बोलने लगेगी उस दिन हमको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, कमजोरी हो गई कि देश की आज़ादी कैसे मिली, महात्मा गांधी ने कैसे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे हमारे हजारों हजारों लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पुलिस की अंग्रेजों की लाठी खाई, अपने को कुर्बान किया, ये देश आज़ाद। हम इस पीढ़ी को ये नहीं बता पा रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी किस तरीके से औद्योगिकरण किया और किस तरीके से इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। आज जो बता रहे हैं आत्मनिर्भर, वो बेच के आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारे देश में किस तरीके से इंदिरा जी ने स्वाभिमान को जिंदा किया, इस पीढ़ी को नहीं बता पा रहे। जिस दिन ये पीढ़ी ये जान जाएगी कि कांग्रेस ने 70 साल में ये किया था, समरसता के लिए था, सामाजिक एकता के लिए किया था और नौजवानों के रोजगार के लिए किया था, उस दिन हमको कांग्रेस को किसी भी जगह से कोई रोक नहीं पाएगा। जिसका नाम होगा, जिसका सिंबल होगा, वो जीत के जाएगा। और आज देश में भय भूख और भ्रष्टाचार सड़क पर आकर के खड़ा है, हमारे रोजगार के अवसर खत्म हो गए। हम सबसे युवा देश हैं दुनिया में और सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। हमारे पास चिकित्सा के लिए ये जो एक साल बीता, आपने सबने देखा होगा कि गरीब आदमी बीमार हो रहा था, तो भगवान के सहारे बच जाए तो बच जाए। मैं अपने आपको कांग्रेस कानपुर का अध्यक्ष बनाकर भेजने करेंगे क्या? मैंने उनसे कहा था कि मैं मॉडल कांग्रेस बनाने जा रहा हूँ कानपुर, एक साल में आपको बना के दे दूँगा, इसके बाद आप चाहें तो मुझे हटा दीजिएगा, मुझे कोई उसका नहीं। वो सोचने लगी करेंगे, उसका चेहरा मैंने देखा, मैं समाजशास्त्र में PhD था, सोशल साइकोलॉजी में जानता था, मैंने पढ़ लिया उसका चेहरा। ये सोच रही है कि क्या ये कह रहे हैं, कैसे ये करेंगे। मैंने कहा अब आपके अंदर एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि करेंगे क्या मॉडल कांग्रेस के लिए। मैंने कहा जो आज कार्यकर्ता के बीच में और इस मंच के बीच में दूरी बढ़ी है, मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं उस दूरी को खत्म करूँ, कार्यकर्ता को अपने मंच तक लाऊंगा, उसको सम्मान का भागीदार बनाऊंगा। और जब से मैं अध्यक्ष आया हूं, मैंने कहीं भी मीटिंग में अध्यक्षता नहीं की, मैं किसी वरिष्ठ आदमी को, किसी नौजवान को, वार्ड कांग्रेस का अध्यक्ष को मैं उस कुर्सी पर बैठाता हूं कि आपको अध्यक्षता करनी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो जो लोग उपेक्षा महसूस करते थे कि कांग्रेस में जाते हैं कोई पूछता नहीं, कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई नाम नहीं लेता, वो दिन अब चले गए। आप काम करेंगे, आप हमें ऊर्जा देंगे, ताकत देंगे, हम अपना पराया सब कुछ छोड़ करके आपको उस स्थान पर ले जाएंगे जो आपके लिए उचित है और आपको मिलना चाहिए। आज आपने इतनी अच्छी बैठक की, हम लोग तो सवेरे से निकल पड़ते हैं, रोज़ हम एक मीटिंग कर रहे हैं, इतवार को पूरे अभियान के साथ निकल पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र यहाँ से हमें ताकत मिलेगी, हम थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, यहाँ की ताकत के बल पर भारतीय जी पंथी को भी अच्छी बात फतेह करना। तो मुझे ये विश्वास है कि जिस धरती पर हम आए हैं बाबूजी की धरती है और यहाँ से लोगों ने जनता की सेवा करना सीखा, समर्पण सीखा, उनके पूरा जीवन हो या रामविलास गुप्ता जी का जीवन रहा हो, तो बाबूजी के बहुत मैं नज़दीक नहीं रहा, मैं मेरी उम्र कितनी थी तब, लेकिन मुझे ये लगता था कि कानपुर में अगर आवाज़ उठाती थी प्रगतिशील कार्यकर्ता मंडल तो नगर निगम हिल जाता था, KDA हिल जाता था और वो अधिकारियों को काम करने पड़ते। मैं जन समस्याओं के लिए भी लड़ूंगा, हो सकता हमारी सत्ता ना हो, हमारी बात कम सुनी जाए, हमारे साथी कह रहे थे कि 35 साल से सत्ता नहीं, ना रहने दीजिए सत्ता, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो भी तो हमारी सत्ता नहीं, बिल्कुल हर्षित कह रहा था कि हम विचारधारा है, विचारधारा ही हम, विचारधारा अगर हम ना होते तो इतने प्रलोभन और इतनी ताकत के बाद किसी भी दल में चले गए होते, MP MLA आज हो गए होते, लेकिन हमें विचारधारा हमें रोकती है, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे
कि सब्जी के ठेले को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, हम चुप नहीं रह सकते। हम कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे कि बाबा साहब भीमराव के संविधान को अलट पलट दिया और हम लोग सुनते रहे? तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे, और जा करके जब आप हम लोगों के नेताओं को चुन करके भेजेंगे तो विधानसभा लोकसभा में भी लड़ेंगे। और आज की सभा से मुझे विश्वास जगा है, जब आप इतने लोग मिल जाते हैं तो मेरा भी आत्मबल बढ़ता है। जब मैं सवेरे से निकलता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैं आया तो लगता था कि कांग्रेस कमज़ोर है, अब जब मैं जहां जा रहा हूं वहां लगता है कि कांग्रेस मजबूत है और मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना इतना समय दिया, और मैं आदरणीय मिश्रा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं इनसे आग्रह करूँगा कि बढ़िया सी कमेटी बनाइए, दीजिए मुझे, और मैं आपको यहाँ पर प्रभारी हमने बहुत जुझारू आदमी को दे ही दिया है, अतीक भाई हमारे रात दिन काम करते हैं कांग्रेस के लिए, और भी जो ज़रूरत होगी देंगे, साधन भी देंगे, ताकत भी देंगे, जरूरत पड़ेगी हम सब खड़े होंगे और हम कांग्रेस को आगे ले जाने का संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।